Assalamualaikum, dear students, आज हमने chapter 7 start करना है. Chapter 7 जिसका title है My Financial Career. ये chapter एक हल्की फुल्की सी funny story है. इसमें writer बताता है कि किस तरह bank जाना उसे परेशान करता है. इस स्टोरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत फन क्रिएट करना है, रीडर्स के चेहरे पे स्माइल लाना है. बैंक जाना राइटर को पसंद नहीं था. जब जब राइटर बैंक गया उसने अजीब अजीब हरकतें की, इतनी अजीब कि लोगों को उस पे हंसने का मौका मिल गया. सबसे पहले देखते हैं चैप्टर की समरी, देन हम डिटेल में पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे कि बैंक के बारे में राइटर ने क्या बातें की. समरी, अ फनी स्टोरी. राइटर ने एक मजाया कहानी लिखी रीडर्स को एंटरटेन करने के लिए, एंजॉय करवाने के लिए. राइटर वाज अफ्रेड टू गो अ बैंक. राइटर खौफजदा होता था, बैंक के नाम पे परेशान हो जाता था, वो बैंक में नहीं जा सकता था. इसीलिए राइटर हमेशा अवॉइड करता कि उसे बैंक ना जाना पड़े. लेकिन एक दफा उसे मजबूरन जाना भी पड़ा. सो ही कमिटेड मैनी फूल एक्ट्स. राइटर की पहली कोशिश, राइटर की प्रायोरिटी यही थी कि वो बैंक ना जाता. लेकिन उसे जाना भी पड़ता तो वहां जाके वो अजीब अजीब हरकतें करता. वंस ही डिसाइडेड टू सेव हिज मनी इन अ बैंक. एक दफा राइटर की सैलरी में $50 का इजाफा किया गया. राइटर ने सोचा क्यों ना सैलरी को बैंक में सेव किया जाए, तो वो बैंक की तरफ गया ताकि अपना अकाउंट ओपन करवा के उसमें सारी सैलरी महफूज कर सके. लेकिन जैसे ही वो बैंक में एंटर हुआ, वो कहता ऐसा लगता है कि बैंक की हर एक चीज मुझे परेशान करती है, हवास बाख्ता करती है. तो सैलरी में इंक्रीमेंट के बाद राइटर बैंक जरूर गया, लेकिन बैंक में एंटर होते ही उसने अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी. राइटर ने बैंक में एंटर होते ही सोचा कि शायद जो भी बैंक में आता है उसका बैंक मैनेजर से मिलना बहुत जरूरी होता है. इसीलिए राइटर सबसे पहले अकाउंटेंट के पास गया और उसे कहा कि वो बैंक मैनेजर से मिलना चाहता है. बैंक मैनेजर से मिलने का अंदाज राइटर का बहुत अजीब था. He behaved like a detective. मैनेजर एक सीरियस किस्म का इंसान था. अकाउंटेंट ने मैनेजर से मिलवाया, लेकिन राइटर के जो उस वक्त पोस्टर था, जो उसका जेस्चर था, वो एक जासूस की तरह लग रहा था. राइटर के बात करने का अंदाज, राइटर के जिस्म का जो तरीकाकार था, जो उसका उठने बैठने का अंदाज था, वो सब उसे कोई खुफिया जासूस प्रेजेंट कर रहे थे. मैनेजर को यही शक गुजरा या तो कि ये कोई बहुत अमीर शख्स है, एक बड़ी रकम महफूज करना चाहता है, या फिर कोई जासूस है जो बैंक डकैती या बैंक के किसी और राज से मुतालिक बात करना चाहता है. मैनेजर से इसी तरह उसने बिहेव किया, लेकिन बाद में जब उसने मैनेजर को बताया कि उसने सिर्फ अकाउंट खुलवाना है और उसपे $56 महफूज करने हैं, तो मैनेजर को उसपे बहुत गुस्सा आया. मैनेजर ने उसे वहां से जाने का हुक्म दिया और कहा कि इस सिलसिले में अकाउंटेंट से मिले. इस दौरान मैनेजर से मुलाकात के दौरान और बाद में भी राइटर ने बहुत सी बेवकूफाना हरकतें की. ही एंटर्ड इन सेफ. राइटर जब मैनेजर से मिलके उठा, तो बजाय ये कि वो दरवाजे से बाहर आता, वो सेफ में एंटर हो गया. यानी इसी तरह की कुछ हरकतें वो करता रहा. ही रोट $56 इंस्टेड ऑफ 6. मैनेजर से मिला, वहां से जाने के बाद अकाउंट
अकाउंटेंट के पास साइटर गया, अपना अकाउंट ओपन करवाया और उसमें उसकी जितनी भी सैलरी थी, जितनी उसके पास उस वक्त रकम थी $56, वो उसने महफूज कर दी। वो सेव करवाने के बाद फिर राइटर को ख्याल आया कि क्यों ना $6 वापस निकलवाए जाएं, क्योंकि उसे कुछ जरूरियात पर खर्च करने थे। अब उसने दोबारा चेक लिया और चेक पर बजाय ये कि वो $6 लिखता, उसने $56 लिखा। अकाउंटेंट को जब उसने चेक थमाया, तब अकाउंटेंट ने पूछा कि अगर आपने रकम निकलवानी ही थी, महफूज क्यों की? अब राइटर को एहसास हुआ कि वो किस कदर ब्लंडर्स कर चुका है। सबसे पहले उसकी गलती ये कि वो मैनेजर से क्यों मिला। जस्ट एक अकाउंट ओपन करवाने के लिए मैनेजर से मुलाकात जरूरी नहीं थी। सेकेंडली, बजाय ये कि वो डोर का इस्तेमाल करता, दरवाजे से बाहर आता, उसने सेफ को ही दरवाजा समझ लिया। थर्ड, उसने बजाय ये कि वो $6 लिखता, चेक पे $56 लिखा। अब राइटर इतनी ज्यादा ब्लंडर्स कर चुका था, मजीद अपनी बेइज्जती करवाने के बजाय राइटर ने इस तरह शो किया कि जैसे इस बैंक ने उसे सही प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, वो इस बैंक में अपने पैसे रखना ही नहीं चाहता। राइटर ने अकाउंटेंट से कहा कि नहीं, मैंने यहाँ कोई पैसे नहीं रखने, मुझे सारी रकम वापस चाहिए। उसे सारी रकम वापस ली और बैंक से बाहर चला गया। राइटर जाते हुए पीछे लोगों के बुलंद होते कह के सुन सकता था, He left the bank and saved his money. उस वक्त बैंक छोड़ दिया राइटर ने, और उसके बाद वो कहता है, चाहे जितनी भी रकम होती महफूज करने के लिए, मैं उसे अपनी सॉक्स में रख लेता, लेकिन दोबारा कभी बैंक ना गया। जी, अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। Whenever writer went to bank, he got rattled. स्टोरी का आगाज राइटर ने बैंक के बात करते हुए किया। वो कहता है, जब जब मैं बैंक गया, परेशान हो गया, अपने हवासों को छोड़ बैठा। जब भी वो कहता है, मैं बैंक में एंटर होता हूँ, ऐसा लगता है बैंक की हर एक चीज मुझे परेशान करती है, इरिटेट करती है। He became an irresponsible idiot. राइटर बैंक में दाखिल होते ही एक गैर जिम्मेदार बेवकूफ बन जाता है, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करता है। He had an increment in salary. राइटर को बैंक जाना हमेशा परेशान करता है, हमेशा ये बात उसे इरिटेट करती है, इसीलिए राइटर ने कोशिश की कि वो बैंक ना जाए, लेकिन एक दफा उसे जाना ही पड़ा। He had an increment in salary. राइटर की सैलरी में $50 का इजाफा हुआ। राइटर ने यही सोचा, क्यों ना इस सैलरी को बैंक में महफूज किया जाए। So he went to bank to save it. इसी मकसद के लिए राइटर ने बैंक का रास्ता लिया। He shambled into bank. बैंक के अंदर जैसे ही राइटर दाखिल हुआ, उसकी चाल अजीबोगरीब हो गई, वो परेशान हाल हो गया। He had an idea that everyone should meet bank manager. राइटर बैंक में एंटर होते ही परेशान हो जाता है, इसीलिए सबसे पहला व्यू राइटर का ख्याल था कि जो भी बैंक में आता है, बैंक मैनेजर से मुलाकात करना जरूरी है। जबकि ऐसा नहीं था, राइटर सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ओपन करवाना चाहता था, जो वो बैंक मैनेजर से मिले बगैर भी कर सकता था। लेकिन जिस तरह राइटर ने पहले जिक्र किया, वो जैसे ही बैंक में एंटर होता, परेशान हो जाता, हर एक चीज उसे परेशान करती, इरिटेट करती। तो उस पैराग्राफ में राइटर ने बता दिया अपनी कंडीशन का,
कि किस तरह वो बैंक में जाके बिहेव करता है। अब चल के देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में राइटर ने अपना एक्सपीरियंस बताया बैंक जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। फर्स्ट पैराग्राफ में बैंक के बारे में अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज ये राइटर ने कि उसे बैंक जाना कैसा लगता है। सेकंड पैराग्राफ में उसने अपना एक्सपीरियंस इंतहाए डिटेल के साथ बताया कि वो बैंक कैसे गया और बैंक में उसके साथ क्या हुआ। राइटर वेंट टुवर्ड्स अकाउंटेंट। बैंक में एंटर होते ही राइटर सबसे पहले अकाउंटेंट के पास गया। He asked him for manager. बैंक में दाखिल होते ही राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उसे मैनेजर से मिलना चाहिए, इसीलिए अकाउंटेंट से उसने मैनेजर से अकेले में मिलने की फरमाइश की। His voice was sepulchral. राइटर की आवाज बहुत अजीबोगरीब थी, गमगीन सी थी। राइटर ने पहले ही जिक्र किया कि बैंक जाना उसे परेशान करता है, हवा बाख्ता करता है। इस चीज का असर उसकी आवाज पे भी नुमाया था। अकाउंटेंट ने राइटर को मैनेजर से मिलवाया। मैनेजर वॉज अ सीरियस मैन। मैनेजर एक संजीदा किस्म का आदमी था। मैनेजर से मिलने के बाद अगेन राइटर ने एक गड़बड़ की। He again confirmed from manager. उसने मैनेजर से कंफर्म करने की कोशिश की, अब तुम ही मैनेजर हो। नेक्स्ट क्या हुआ? मैनेजर से मीटिंग किस तरह हुई राइटर की, उसके साथ क्या बातें हुई, कैसे अकाउंट ओपन हुआ और आया राइटर ने बैंक में मजीद कोई ब्लंडर्स किए या नहीं, इन सब को नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। होप सो चैप्टर की समरी क्लियर हो गई। इसको प्रिपेयर करना है, दोनों पैराग्राफ सीखने हैं। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।